हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। एंड आप सबको पता है कि कल करवा चौथ और मैंने भाभी के लिए स्पेशल थाली बनाई है, तो मैं आइडिया शेयर करती हूँ। मैं पीछे मेहंदी दिखाई थी बाय द वे, वो निकल गई पीछे। तो ये मैंने इसको यार पतासे कहते हैं, तो ये डिफरेंट कलर्स में भी होते हैं। तो पहले मैंने ये लिया है, कपड़ा तो कॉस लिया है क्योंकि इनकी जो ड्रेस है वो इसी रंग की है, तो मैंने यही कलर लिया है। तो सारे के सारे पतासे जो हैं वो लाइन टू लाइन हम अरेंज कर देंगे। और यार सच्ची बताऊँ बहुत मुश्किल हुई कल, एक तो ग्लू गन ख़त्म हो गई और एक फेविकॉल से चिपक ही नहीं रहा था। तो ग्लू गन से करो जो क्राफ्ट करना, उसके बिना तो भाई ज़िंदगी है नहीं हमारी जो क्राफ्ट करते हैं। सही बात है। सो अब आप देख सकते हैं काफ़ी नीट एंड क्लीन सा हो गया है अभी, मतलब इसको हम पूरा क्लीन करेंगे। मैं फिर यहाँ पर मैं सोच रही थी अब और क्या करें। तो ये एक गोटा वाली लेस ही होती है, तो मैंने ये लेस को ना क्रॉस सेक्शन करके लगाया है, जैसे कि हम क्रॉस नहीं करते लाइक टू टू का गैप दे के ना, ये देखिए टू टू का गैप दे के सारी लेस लगा लेना। एंड वो बहुत अच्छा लुक आ रहा था। वैसे आप जैसे चेक भी बना सकते हो, वो आपकी विश है, चेक बना लो, सिंपल लाइंस बना लो, कुछ भी ऐड ऑन कर सकते हैं हम। तो मैंने ये किया है एंड ये मेरे को अच्छा लगा, इसका लुक काफ़ी अच्छा आ रहा था, रॉयल सा लुक आ रहा था। सो मैं देख रही थी मेरे कपड़े में ना पिंक सी शेड भी आ रही है, तो मैं देख रही हूँ कि मेरे कपड़े की दिक्कत है कि कुछ लग गया है, मैं बार बार वही चेक कर रही थी। बट ये कपड़े की शेड है तो उस अकॉर्डिंग देख लेना। एंड ग्लू गन के साथ आप अच्छे से अटैच कर। सो आप देख सकते हैं कि एक मैं पेन की यूज़ कर रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म हो गई थी यार सच्ची में, और हाथ जलते जलते बचे। जो बच्चे हैं वो तो घर पे ट्राई कर रहे ही ना, क्योंकि सीरियसली यार हाथ जला लोगे, मेरा दो तीन बार जल चुका है। तो ये मैं देख सकते हैं ना टू टू का गैप देख के मैंने इसको ऐड ऑन किया है, तो मैं बस उसी वे में इसको लगाती जा रही हूँ। अब वीडियो में मेरे को एक मेरी खुद की ही गलती दिखी है कि मैंने एक पताशा में टू का गैप नहीं किया, मैं वही चेक कर रही हूँ। चलो आप टू का गैप ले लेना, चलो कभी कभी हो ही जाता, छोटी मोटी चीज़ें तो होती रहती है यार। तो अब ये देख सकते हैं, अब मैंने पॉम पॉम्स लिए थे, तो मैंने पॉम पॉम्स अब जो दो कलर्स के लिए हैं उसी को मैं करूँगी अरेंज। तो पतासों के ऊपर पॉम पॉम्स लगा दो, ग्लू गन मैंने पहले ही लगा दिया एंड बीच बीच में मैं वो ऐड ऑन करी जा रही हूँ साथ की साथ। एंड काफ़ी अच्छा लुक आ रहा है अभी तक तो, मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है। लेट्स सी कि क्या बनता है, और आपको अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताना यार, आपके कमेंट्स की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब मैंने लाल कलर के भी लिए थे, तो मैं लाल पहले इक्वल इक्वल पे नहीं लगा रही थी क्योंकि मेरे को था कि कम ना पड़ जाए, बट ये पूरे लग गए, मतलब एक एक का गैप दे रही थी, सिर्फ वो गोटे वाले पे लगा रही थी पहले, बट फिर ये सेट हो गए तो फिर मैंने सब पे ही लगा दिया। एंड अच्छा, कितना अच्छा कलर कॉम्बिनेशन बना है, मेरे को मतलब था कि इट वॉज लुकिंग सो रॉयल। बाकी आप कमेंट में बताना आपको ऐसा कॉम्बिनेशन लगा है। सेंटर में मैंने सोचा कि ऑरेंज लगा दूं, ऑरेंज लगाने के बाद मेरे पास समोसा लेस पड़ी थी, वो हम समोसा लेस भी बीच में लगाएंगे। सो गाइस, ये समोसा लेस को मैंने पहले मैंने इसको अंदर लगाना था जहाँ पे मैंने वो रेड पॉम पॉम्स लगाया ना, बट मेरे को ये साइड पे ज़्यादा अच्छी ग्रेसफुल सी लग रही थी। मेरे को लटकन वाला टच नहीं देना था क्योंकि मैंने पिछली बार एक बनाई थी उसमें मैंने लटकन वाला टच लिया, तो मेरे को था कि इस बार कुछ डिफरेंट बनाया जाए। एंड काफ़ी अच्छा लग रहा है। एंड फिर इसको क्लियरली अच्छे से जोड़ लेना है और ये हो गया हमारी थाली तैयार। अब इसको हम सूखने के लिए, मींस कि पक्का हो जाए तब तक हम साइड पे रख देते हैं। सो अब आ गया छन्नी की बारी। छन्नी मैंने पहले ही लेस लगा दी थी, अब इस लेस को मैंने आपको बताया ना फेविकॉल की तरफ से चिपक ही नहीं रहा था, तो मैंने ग्लू गन दोबारा से ली। फिर अब इसके बीच में मैं लटकन अटैच कर रही हूँ, लटकन को डबल अटैच कर लेना, बस पेन के साथ मैं इसको ढक 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 कर रही हूँ ताकि ये अच्छी तरह अटैच हो जाए। एंड इसको डबल अटैच करना ताकि ये गिर ना जाए। तो गाइस, ये लटकन अटैच हो गया है एंड आप देख सकते हैं अब मैंने लोटा ले लिया है, वो छन्नी हो गई हमारी। अब लोटे पे भी सेम मैंने कपड़ा लगा लिया था नीचे, और सेम लेस जो मैंने वहाँ पे लगाई है छन्नी पे, वही सेम लेस यहाँ पे लगा रही हूँ एंड इट इज़ लुकिंग गुड। सो यार मैसीनेस को इग्नोर करना क्योंकि लोटा के जो नीचे लगाओगे ना वो अनिवनी आता है थोड़ा बहुत, तो वो लेस के साथ कवर हो जाएगा, उसकी कोई टेंशन नहीं है।
बस आप देखते जाइए कुछ ना कुछ तो बनेगा ही। सो लोटा हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, बस मेन यार कपड़ा का होता है, कपड़ा एक बार लग जाए ना फिर काम इजी हो जाता है, कुछ नहीं करना होता ज़्यादा। फिर मैंने यहाँ पे पॉम्पम लगा दिया क्योंकि ग्लू गन ना साइड पे थोड़ी सी लग रही थी यार, तो वो दिख रही थी तो मेरे को अच्छा नहीं लगा। तो फिर मैंने, मेरे पास पॉम्पम बचे भी हुए थे तो फिर मैंने लोटे के ऊपर भी लगाना स्टार्ट कर दिया। देखो इतने बचे थे, मैंने बस तो पहले लगा के देखते हैं कि हो जाएगा कंप्लीट, तो ये कंप्लीट हो रहा था तो फिर मैंने साथ साथ ये ऊपर ही लगा दिए पॉम पॉम्स। फिर उसके बाद पॉम पॉम्स अच्छे से लगा लो थोड़ा, लोटा इतना गर्म हो गया था ना कि क्या बताऊँ लोग। फिर उसके बाद एक बार मैंने इसको सेट कर लिया अच्छे से ताकि ये हिले ना, फिर मेरे पास ये पड़े थे शेल्स जो कावरी शेल्स होते हैं, तो वो शेल्स और एक चीज छन छन नहीं होते घुंघरू कहते हैं जिनको, घुंघरू भी पड़े थे तो वहाँ पे भी लगा दे। तो ये मैंने लोटे पे ये डिज़ाइन किया था, मेरे को अच्छा लगा, आप बताना कमेंट्स में आपको कैसा लगा। अभी के लिए इतना ही किया है, अब बस भाभी को रिएक्शन दिखाना है कि क्या रिएक्शन है। Can't. Nice. बहुत ब्यूटीफुल। अच्छा आसमान लग गया, इसे चुनचुन लगाए हैं, खुद ही लगाए हैं, वाह नाइस, वाह। सो गाइस ये थी मेरी करवा चौथ की वीडियो, आई नो थोड़ी लेट डल रही है, मेरे को थोड़ा पहले डालना चाहिए था, बट जो कोई बात है आप देख लो कि आपको अच्छा लगा। नेक्स्ट ईयर आप ऐसा कुछ डिज़ाइन या आइडिया कर सकते हैं, वैसे नेक्स्ट ईयर कुछ और भी आ जाएगा, बट आई होप यू एंजॉयड इट एंड यू लव इट। दिस इज़ द फाइनल लुक, गुड बाय, फिर मिलते हैं न्यू वीडियो में।